आज हम बनाएंगे ओट्स एंड नट्स के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी वाले लड्डू है। आपको जब भूख लगती है और आप लो फील करते हो, तब आप एक लड्डू ये खा लीजिए तो आपकी जो शरीर में एनर्जी है वो वापस आ जाएगी। और जब भी आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तब आपको शाम को छोटी मोटी भूख लगती है, उस टाइम पे आप ये छोटा सा एक लड्डू खा लेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपके शरीर को जो न्यूट्रिशंस वैल्यू चाहिए वो भी इसमें से मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले यहाँ पे हम नट्स लेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप काजू, 1/4 कप अखरोट, 1/4 कप बादाम और 1/4 कप पम्पकिन सीड्स लिए हैं। इन सबको हम एकदम धीमी आँच पर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन कलर ऐसा नहीं करना है। जस्ट इसमें से जो मॉइस्चर हो वो चला जाएगा, तो जब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो इजीली ये हो जाएगा। सब नट्स को हम ठंडा करेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मैंने रोल ओट्स लिए हैं और ये 1 कप है। इसे हमें बहुत ही रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ही हमें इसे रोस्ट करना है। उसके बाद हमें इसे ठंडा करने के बाद दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है और जो हमने काजू, बादाम, पिस्ता और पम्पकिन सीड्स रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए, तो इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। और ओट्स भी ठंडे हो गए तो इसे भी मिक्सी जार में डाल के हम पीस लेंगे। यहाँ पे हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, थोड़ा हमें दरदरा पीसना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने दरदरा पीसा है, आप उसी तरह से पीस लीजिए। उसी मिक्सी जार में मैंने 3/4 कप खजूर ली है और ये खजूर बिना बीज वाली है। इसे भी मिक्सी जार में चला देंगे। मिक्सी जार हम बटन ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, इस तरह से इसे पीसेंगे। देख सकते हो कि एकदम पेस्ट की तरह ये बन चुका है। चीनी बिना, घी बिना, ऑयल के हम ये लड्डू बना रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो खजूर है वो हमें मिठास का काम करेगा और जो लड्डू को थोड़ा बाइंडिंग देगा। और बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच शहद के डाले हैं, वो भी बाइंडिंग का काम करेगा और इस लड्डू को मिठास देगा। चुटकी नमक डाला है, 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर डाला है, जिससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक आटे का डो तैयार करते हैं, उस तरह से मसल के इसे डो तैयार कर लेंगे। इसमें से छोटे छोटे साइज के हम बॉल्स तैयार करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन इसमें से ले लीजिए और दोनों हथेलियों की मदद से इस तरह से घुमाएंगे तो आपके ये लड्डू तैयार है। इसमें से टोटल 11 लड्डू तैयार हुए थे 1 कप ओट्स में से। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो इन सब में से जो माप मैंने बताया उसमें से डबल करके बना सकते हो। और इस लड्डू को आप फ्रिज में 10 दिन के लिए रख सकते हो, एकदम एयरटाइट डब्बे में आपको इसे रखना है। ओट्स एंड नट्स के एकदम हेल्दी वाले लड्डू है, आप इसे घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करना। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।